मेडिकल कॉलेज में मुझे आने का और यहाँ की स्थितियों का जायज़ा लेने का, यहाँ की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने का अवसर मिला है। और आज यह भी एक कहा जाए कि प्रयागराज के लिए, यहाँ की जनता की सेवा के लिए 80 की संख्या में वेंटिलेटर सुपुर्द किए जा रहे हैं, सौंपे जा रहे हैं। और तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं जो प्रस्तावित हैं, मैं प्रयागराज वासियों को प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, बहुत कुछ किया गया है और भी बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करेंगे। प्रयागराज सहित प्रदेश के हर जनपद में, नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वह वेंटिलेटर की समस्या हो, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो और चाहे अन्य मैन पावर की समस्या हो, उसके समाधान के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और आने वाले समय में इस संकट से मुक्ति मिलेगी, ऐसी आशा करते हुए सबके जो भी अभी अस्वस्थ हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों, ऐसी उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और कोई भी और अब लापरवाही ना करें, ऐसी अपील करता हूँ, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और बहुत बड़ी संख्या में उछाल आया था प्रयागराज और प्रदेश में भी, और तेज़ी से जनता के सहयोग, चिकित्सकों के परिश्रम, पुलिस और प्रशासन के लगातार कोशिश से एक बड़ा, एक तरह से कह लीजिए कि जागरण हुआ है। उस जागरण का ही परिणाम है कि आज कोविड के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या निरंतर घट रही है। आज नर्सिंग डे भी है, इस अवसर पर चूँकि चिकित्सा सेवा में हमारी जो नर्सें होती हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनको मैं शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी सेवा